नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस बार हरियाणा सरकार गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती है। इसके लिए सिरसा पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना था, परंतु किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब ये कार्यक्रम अनाज मंडी सिरसा में होगा। कुछ लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे, तो देश भर से संत महापुरुष इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम से पहले व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने यहां पहुँच कर के स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों के बारे में बारीकी से जानकारी ली तथा इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में कुछ अनोखी प्रदर्शनियां भी देखने को मिलेगी। इस पूरे पंडाल और कार्यक्रम के दौरान जो भी व्यवस्था है वो पूरे एल्युमिनियम के मजबूत पिलरों से बनाई जा रही है। मुख्य स्टेज से लेकर के पूरा पंडाल और उसके नीचे का फर्श लकड़ी से तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान वातावरण अनुकूलित बनाने के लिए हर जगह एसी लगाया जाएगा, जो सैकड़ों की संख्या में होंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई आधुनिक झलकियां भी यहां देखने को मिलेंगी, लेकिन इस दौरान पूरा पंडाल बीजेपी मुर्दाबाद के नारों से जैसे गूंज उठा हो, ऐसे ही कुछ नारे यहाँ लगाए जा रहे थे। कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे अधिकारियों ने स्टेज के सामने लगे एक पेड़ को शिफ्ट करना चाहा, तो वहां मंडी में कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कारण ये था कि वहां एक बरगद का पेड़ 7 वर्षों से खड़ा था, जिसकी देखभाल लगातार वहां काम करने वाले लोग करते हैं। सीएम के इस खास कार्यक्रम के लिए उस बरगद के पेड़ को वहाँ से हटाना चाहा प्रशासनिक अधिकारियों ने। इसी दौरान लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तभी प्रशासनिक अधिकारियों व एडीसी मैडम ने आकर स्थिति को देखते हुए पेड़ को हटाने की बजाय कटिंग करने का आदेश दिया। ये तो पेड़ उखाड़ने की बजाय पेड़ का कांच छाट कर रहे हैं, आप कह रहे हो को उखाड़ना चाह रहे हैं? उखाड़ने जा रहे थे। अच्छा, नारेबाजी करके बंद कराए। अच्छा, नारेबाजी। रतनलाल बम्मी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला है। कहते तो अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर तुमने ज्यादा हमारे से मत्थाबाजी की तेरे को बाहर मारेंगे चला के, हमारी सरकार है वो दबाव दे रहे हैं। कौन कौन कहता है ये? रतनलाल जी बम्मी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बम्मनिया जी, आप बम्मनिया साहब ने बात की? नहीं, तो ये 10 मिनट पहले बात हुई जिनसे, मैडम भी आएंगी सस्पेंड, एडीसी आए अभी आए उनसे बात करवाएंगे। एडीसी मैडम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, पहले तो आपने किसी ने कह दिया अभी काट दो, शिफ्ट कर देते हैं। मैं क्या, हम शिफ्ट नहीं करना देता, ये तो छान को
अच्छे में वो जान नहीं रहती है, पेड़ को काटते हैं तो जड़ी उखड़ गई तो जान कहाँ से आ जाएगी उसमें। देखो अब इसमें आई प्रदेश दिए हैं हमने, क्या होता है अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निजायज रूप से मजदूरों को अपन करती है। रतन लाल जी का भाषण है, बहुत निजायज रूप से सरकार को कि मेरी सरकार है जी, मैं ऐसे करा दूंगा, मैं ऐसे करा दूंगा, दबाव डाल रहा है हमारे को। दबाव कौन डाल रहा है आप पे? रतन लाल बबनिया जी और भी अफसर हैं लोग, कुछ मंडी के अंदर बड़े लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। ठीक है, कुछ लोग हैं साथ साथ से इसकी परवरिश की है। हम कम से कम 20-25 लोग थे, पहले भी 50-60 लोग कम थे, रोज प्रदर्शन करते हैं। रोज प्रदर्शन ये 3 दिन से प्रवोध हो गया, तीसरे दिन पेड़ तो ये लगभग कोई नहीं उखाड़ा गया नहीं, इसी की बात की कुछ नहीं, हमने भी पेड़ काटे बताई। काटना का कोई हल नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी सरकार ही बढ़ावा दे, ज़्यादा पौधे लगाओ, पर इससे नेगेटिविटी ही जाएगी समाज के अंदर। और जो हमारे भी सोशल ग्राफ जो हम मुहिम आगे लेके चल रहे हैं तो उसके में हमारा हौसला भी कमज़ोर होगा और लोगों में जिस उससे घर उसकी भी नेगेटिविटी रहेगी। हम तो पेड़ पौधे उगा रहे हैं और पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो हम लगाएंगे वो तो 10-15 साल में बड़े होंगे और ये तो बड़े हैं पेड़ पौधे, उनको ही जड़ से काट रहे हैं तो शुद्ध और बड़े ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। इसको जो मान लो वातावरण पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से तो हम पहले ही जूझ रहे हैं, जिसका हम परिणाम देख रहे हैं उसको कम करने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर ये जिस कट जाएंगे पेड़ पौधे उसके बाद हमें बहुत समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सरकार का हमें क्या तो बेनिफिट है, क्या CM के आदमी का बेनिफिट होगा। नंबर 2, ये पेड़ इनके बीच में नहीं आया, ये इनका प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, जबकि CM का स्टेज लगाया, पेड़ तो एज इट इज पहले भी यही था, अब भी यही है, और इसको काटना कोई समाधान नहीं है जो ये काट रहे हैं। इसके अभी क्या क्या समाधान बताया है इन्होंने, ADC मैडम आए थे बताया, इसके जो मैंने साइड में सफाई इनके बीच में आ रही अड़ रही है वो काट दो, जड़ से उखाड़ना तो इसका हल नहीं है। शाखाएं काट के जो बाकी जो बच रहा है उसको डेकोरेट कर दो ताकि ये प्रोग्राम की शोभा ही बढ़ाएगा, ये नहीं अभी ये मान लो उसकी बदसूरती में दर्शाएगा जी। अभी ADC मैम आए हैं तो उन्होंने आपको क्या, ADC मैडम से भी मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया।